दो बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 9 साल का है। हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले। उसकी गाड़ी की स्पीड काफी थी, जिसने साइकिल को भी खींचते खींचते कम से कम 200-250 मीटर की दूरी पे ले जाकर फेंका है, तो आप समझ सकते हो वो डेड बॉडी के साथ में उन्होंने क्या किया होगा, रौंदा होगा। मदनपुर खादर से डाबरा को ड्यूटी जा रहा था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस रोड साइड पे था, जो है यहाँ से मारते हुए जहाँ पे वो खून दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ से गाड़ी वाले ने घसीटते हुए वहाँ ले गया। इन द स्पॉट जो है उसको डेथ हो गई थी। मेरे को जब पता लगा तो मैं यहाँ आके पहुँचा, देखा तो उसको ढाक पुलिस वालों ने ढक के रखा था और वो उसको छूने भी नहीं दिया, कुछ देखने भी नहीं दिया। उसके बाद जो फिर मीडिया वाले कुछ आए थे, फ़ोटो खींच के ले गए थे, फिर उसके बाद उनके कुछ आए लोग जो है पैक किए बॉडी को, उसके बाद फिर बॉडी को जो है उन्होंने लेके ट्रामा सेंटर को ले गए हैं। अब बॉडी को वहाँ रख दिए हैं, कल से फिर मेरे को सबको वहाँ से बोले कि अब जाओ घर, अब बॉडी कल मिलेगी। अब उसका साथ क्या हुआ है क्या नहीं है, कितनी दूरी तक घसीटा, यहाँ से जो है देख रहे हैं 7-8 मीटर जो है घसीट के लाश को ले गए हैं। साइकिल कम से कम 200-250 मीटर या कुछ जो बोलते हैं आगे खम्भे के पास जो है साइकिल मिली थी, वहाँ पे पड़ी थी, पुलिस वालों ने थे वहाँ, उसके फोटो वोटो अपना लिए थे, फिर उसके बाद पुलिस वाले साइकिल को लेके गए हैं। मर्सिडीज गाड़ी व्हाइट कलर की बताया उन्होंने। राजेश जी, किस तरह से चल रहे थे, साइड में जा रहे थे और किस तरह से हिट किया, कुछ पता चला, किसी ने बताया? पता लगा साइड में, एक बिल्कुल साइड में बॉडी भी साइड में थी जो है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही मारा है अपने रास्ते पे, और डेली आना जाना वही था हमारा करीब 12 साल से। अच्छा, तो राजेश जी कहाँ काम करते थे, कितने टाइम से वहाँ जाते थे? राजेश ये पृथ्वीराज रोड डाबर हाउस में काम करते थे, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए उसको वहाँ पर करते हुए। तो साइकिल से ही जाते, साइकिल से डेली अप डाउन करते थे 10-12 साल जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस तरह से जो हाईफाई गाड़ियां होती हैं, मर्सिडीज और तमाम इस तरह से चलते हैं, एक्सीडेंट के कई मामले सामने आ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि ये सावधानी से चले जाए और इनको कम इनको जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, जो है इनको ऐसे जाने नहीं दिया जाए। हम तो यही चाहते हैं, हर आदमी तो चला गया इन उनकी गलती से। राजेश जी की फैमिली में कौन कौन है? और राजेश जी की फैमिली में ये दो बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 9 साल का है। पत्नी और पत्नी है, पत्नी काम करती है? नहीं, पत्नी घर पे रहती है। अच्छा, तो अब कैसे और चलेगा, कुछ आप लोगों के सहारे चलेगा या कुछ? जी अब तो देखो, अभी हम तो यही चाहते हैं कि भाई उनसे भी गाड़ी वाले को पकड़ के लाया जाए, उनसे भी उनकी मदद कराई जाए। हम वहाँ पे पहुँचे तो मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी, वो पुलिस भी फिर वहाँ पहुँची हुई थी, तो फिर वही उसके बाद फिर वहाँ से लेके गए, मतलब थोड़ी 1-2 घंटे के बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहीं वो हुआ और उसकी वहीं तुरंत ही मौके पे मौत हो गई थी। कौन सी गाड़ी ने हिट किया? ये मर्सिडीज गाड़ी है, वो खड़ी है ना वहाँ पे, तेज रफ्तार से चल रही थी। हाँ जी, तेज तो थी, तभी तो इतनी दूर तक, साइकिल तो कितना भोगल के वहाँ नीचे जाके मिली थी, वो गाड़ी में फंसी हुई थी साइकिल, यहाँ नहीं साइज की गाड़ी में फंसी हुई, बहुत दूर जाके मिली थी, 200-300 मीटर के आगे। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सर, हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले। ये घटना कल मॉर्निंग की हुई है 7:50 की, मुझे भी पता चला था 8:15 करीब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं गया वहाँ पे एक्सीडेंट के पॉइंट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तो गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जिससे कि बताया काफ़ी वहाँ पे जो लोग आई विटनेस रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा तो उन्होंने बताया, उनके थ्रू मुझे पता चला गाड़ी नंबर वगैरह, तो मैंने वेरीफाई किया है, मर्सिडीज़ बेंच गाड़ी थी।
और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो 50 मीटर दूर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ, 50 मीटर दूर जाके उसकी बॉडी गिरी और करीब 200 मीटर दूर जाके उसका उसकी साइकिल थी, वो पर डे साइकिल से मतलब अपने जॉब पे जाता था काम करने के लिए, वो अराउंड 25 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के अप डाउन करता था। वो मदनपुर खादर से जोरबाग पृथ्वीराज रोड की तरफ जाता था काम करने के लिए, जैसा कि मेरे रिलेटिव ने बताया कि वो डाबर हाउस में काम करता था। और ये गाड़ी की स्पीड आप बता देख सकते हैं कि बताया उसकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी थी, जिसने साइकिल को भी खींचते खींचते कम से कम 200-250 मीटर की दूरी पे ले जाकर फेंका है, तो आप समझ सकते हो वो डेड बॉडी के साथ में उन्होंने क्या किया होगा, रौंदा होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग से कि उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि उसके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो इतना ओल्ड नहीं हुआ था, 34 ईयर्स ओल्ड था वो।